दोस्तों भारतीय रेल ने इस साल एक बहुत बड़ी ट्रेन हादसा को झेला है, बालासोर वाला। बालासोर में हुई दुर्घटना में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इस मामले में रेलवे पर लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। रेलवे की कोशिश है कि दोबारा ऐसी दुर्घटना सामने ना आए। हालांकि एक रिपोर्ट ने रेलवे के इन्हीं दावों और तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक सेंसर मशीन में गड़बड़ी का पता चला है। कुछ अधिकारियों ने मशीन की टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट में बताया है कि उसमें गड़बड़ी है, इससे बालासोर जैसा हादसा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनों की आवाजाही का पता लगाने के लिए जो मशीन जिम्मेदार है, यानी कि जिनका ये काम है, वो अपने काम में फेल हो रहे हैं। मशीन का सेंसर कई बार तो ट्रेनों की आवाजाही को ट्रैक कर लेता है, लेकिन कई बार उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है, यानी कि रेलवे ट्रैक पर क्या सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में भी मशीन सिग्नल भेज देता है, जो बड़े हादसों को दावत देने जैसा है। रिपोर्ट कहती है कि रेलवे अपनी 7 रीजन्स में ऐसी 3000 मशीनें लगा चुका है। कहा जा रहा है कि ये मशीनें फॉल्टी है और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सिस्टम खराब है और किसी भी मेटल के संपर्क में आते ही सिग्नल सेंड कर देता है। यानी कि गाड़ी का तो ठीक है, गाड़ी के अलावा अगर कोई मेटल उसके सामने से गुजरता है, उसके आसपास आता है, तो भी वो सिग्नल भेज देता है। जिन इंजीनियरों ने इस मामले की शिकायत की है, उनका कहना है कि इस तरह की गड़बड़ी से गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे स्टेशन मास्टर कोई गलती कर सकता है और जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति बालासोर जैसी घटना को जन्म दे सकती है। इस मशीन को रेलवे ने उसके एक यूनिट RDSO के निर्देशानुसार इंस्टॉल किया था। बताया जाता है कि इस एक यूनिट पर 5 लाख रुपए तक खर्च आता है और रेलवे ने 4000 यूनिटें खरीद रखी हैं। ऐसे में जो भी हो, यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मेदारी जो है वो रेलवे का है और हम सब उम्मीद करेंगे कि बालासोर जैसे हादसे रेलवे में आगे नहीं होंगी और रेलवे होने ही नहीं देगा। फिलहाल सिर्फ इतना ही। इसी तरह की और जानकारियों से खुद को अपडेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।